आखिर ऐसा क्या हो गया कि पुलिस हमारे नाइट क्लब को बंद करवाना चाहती है? शिखर बेड से उठकर बैठते हुए मैनेजर से ये सवाल करता है। वो सब आप खुद ही आकर देख लीजिए सर, मैनेजर कहता है और फोन कट हो जाता है। शिखर को गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए अपनी गाड़ी निकालता है और क्लब की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते में वो यही सोच रहा है कि ऐसा क्या हुआ होगा कि मैनेजर खुद नहीं संभाल पाया और मुझे इतनी रात को फोन करके बुलाया है। शिखर क्लब पहुंचता है और वहां देखता है कि पुलिस की एक जीप बाहर खड़ी हुई है और एंट्रेंस पर मीडिया पत्रकार जमा है और भीड़ इकट्ठी हो गई है जो शिखर के नाम के नारे लगा रही है। हाय हाय शिखर, शिखर मुर्दाबाद। ये सब देखकर शिखर की चिंता और बढ़ जाती है। शिखर इधर उधर देखता है, उसे अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं दिखता और अगर गलती से भी उसे किसी मीडिया वाले ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। पहले से ही उसका नाम न्यूज में बदनाम है और अगर लोगों ने उसे देख लिया तो और बात बढ़ जाएगी। शिखर सोच ही रहा होता है कि पीछे से उसके कंधे पर एक आहट होती है। शिखर डर जाता है और डरते डरते पीछे मुड़ता है। वो चेहरा देखता है तो उसकी सांस में सांस आती है। ये दिनेश था। दिनेश शिखर से कहता है, मुझे खबर मिलते ही मैं यहां पहुंच गया। शिखर कहता है, अच्छा किया। शिखर और दिनेश छुपकर पीछे के रास्ते से किचन से होते हुए क्लब के अंदर पहुंचते हैं। शिखर अंदर पहुंचता है तो देखता है कि पुलिस ने पूरा क्लब सील कर दिया है। सारे स्टाफ को एक ओर करके वहां आए हुए लोगों को दूसरी लाइन में खड़ा कर रखा है और एक हवलदार सबकी तलाशी ले रहा है। एक ट्रे में छोटे छोटे पॉलिथीन के पैकेट रखे हैं जिनमें सफेद पाउडर भरा हुआ है। शिखर कुछ समझ पाता इससे पहले इंस्पेक्टर आकर शिखर के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, तो तुम ही हो इस कांड के पीछे के मुख्य नायक। आओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा था। हीरो के बिना कहां शूटिंग शुरू होती है। आओ, अब तुम्हारी फिल्म बनाते हैं। शिखर कहता है, जी हाँ, मैं ही हूँ शिखर, इस क्लब का मालिक। आपकी डायलॉग बाजी हो गई हो तो आप मुझे ये भी बताने का कष्ट करें कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है। न्यूज में शिखर की खबरें सुनकर इंस्पेक्टर पहले से उस पर भड़का हुआ था और ये सुनकर वो और भी चढ़ जाता है और कहता है, तेरे हाथ से रिबन कटवाना था। पीछे खड़ा हवलदार हंसता है। इंस्पेक्टर शिखर का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, अबे गैर कानूनी ड्रग्स बरामद हुए तेरे क्लब से, ये सब बंद करना पड़ेगा। शिखर मैनेजर की तरफ देखते हुए कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, एंट्रेंस पर सबकी अच्छी तरह से चेकिंग की जाती है, कोई ड्रग्स अंदर ले आए और हमें पता ना चले ये पॉसिबल नहीं है। ये कहते हुए शिखर मैनेजर की ओर देखता है और मैनेजर नजरें चुरा लेता है। इंस्पेक्टर एक सफेद पाउडर का पैकेट शिखर को दिखाते हुए कहता है, ये इसी क्लब से मिला है। ये शराफत की आड़ में जो दो नंबर ही धंधा चलता है सब पता है मुझे, एक एक कर सबको अंदर डालूंगा और सबसे आगे होगा तू। शिखर सोचता है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। वो समझ जाता है कि ये जरूर कोई उसे फंसाने की साजिश है, पर कौन ऐसा करेगा, इसमें किसका फायदा हो सकता है। फायदा किसी का भी हो, शिखर को पहले इस मुसीबत से निकलना था। शिखर कहता है, आपको जरूर कोई गलत फहमी। शिखर की बात खत्म होती इससे पहले इंस्पेक्टर एक कागज का टुकड़ा शिखर के आगे कर देता है। ये रहा तेरी गिरफ्तारी का वारंट, पहले तू चल मेरे साथ हवालात, अब वहीं आगे की बातें होंगी। इंस्पेक्टर पास खड़े हवलदार को इशारा करता है। हवलदार हथकड़ियां लेकर शिखर की ओर बढ़ता है। शिखर घबरा जाता है, उसने नहीं सोचा था कि इंस्पेक्टर सीधा वारंट लेकर आ जाएगा, पर वो जेल नहीं जा सकता था। उसे पता लगाना था कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। शिखर सोचता है कि ऐसा क्या किया जाए कि वो अभी जेल जाने से बच जाए। एक ही आदमी था जो उसे इस वक्त जेल जाने से रोक सकता था। शिखर कुछ सोचता है और कहता है, पहले मुझे एक फोन कॉल करना है। हवलदार इंस्पेक्टर की तरफ देखता है। कर लेने दो, इंस्पेक्टर हवलदार से कहता है और हवलदार रुक जाता है। शिखर पुलिस से थोड़ा दूर एकांत में जाकर बबीता को फोन करता है और कहता है, मैं जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनो, पुलिस के पास मेरी गिरफ्तारी का वारंट है, तुम्हें अभी मेरी बेल करानी होगी। बबीता कुछ समझ नहीं पाती, अभी इस वक्त ऐसा क्या हुआ है। शिखर गुहार लगाते हुए कहता है, वो सब बताने का मेरे पास अभी वक्त नहीं है, मैं बस अभी जेल नहीं जा सकता। बबीता शिखर को आश्वासन देते हुए कहती है, ठीक है मैं कुछ करती हूँ, और फोन काट देती है।
शिखर धीरे धीरे वापस इंस्पेक्टर की तरफ जाता है। इंस्पेक्टर मुस्कुराता है जैसे उसकी जीत हो गई हो और हवलदार को शिखर के हाथों में हथकड़ी डालने के लिए इशारा करता है। हवलदार शिखर के पास पहुंचकर हथकड़ी लगाने ही वाला होता है कि इंस्पेक्टर का फोन बजता है और शिखर राहत की सांस लेता है। इंस्पेक्टर फोन पर किसी से बात करता है और लगता है जैसे उसे कोई झटका लगा हो। इंस्पेक्टर फोन रखता है और कहता है, जाने दो इसे, इसकी जमानत हो गई है। सब भौचक के रह जाते हैं। इंस्पेक्टर ने अपने आज तक के करियर में ऐसा होते कभी पहले नहीं देखा था कि किसी की गिरफ्तारी से पहले ही जमानत हो गई हो। पुलिस के पास अब कोई चारा नहीं था सिवाय वापस जाने के। इंस्पेक्टर अपने हवलदारों को चलने का इशारा करता है और जाते जाते शिखर से कहता है, इस बार भले तू बच गया हो लेकिन तुझे तो जेल की हवा खिलाकर ही रहूंगा। शिखर नजरअंदाज कर देता है और पुलिस वहां से चली जाती है। शिखर सोचता है कि वो पता लगाकर रहेगा कि किसने उसके खिलाफ ये साजिश रची है। बीते दिनों में शिखर ने काफी लोगों को नाराज किया था और उसके कई दुश्मन बन गए थे, लेकिन अब ये पता करना था कि ये काम किसका था और ये कौन था जिसने उसके क्लब में ड्रग्स भिजवाए और पुलिस को खबर कर दी। अगर पुलिस वहां शिखर की गिरफ्तारी के वारंट के साथ मौजूद थी तो इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि पुलिस को पहले से पता था, पर पहले उसे ये पता लगाना था कि क्लब के अंदर ड्रग्स आया कहां से था। शिखर क्लब के सारे स्टाफ को एक जगह इकट्ठा करता है और पूछता है, कैसे हुआ ये सब? कौन था जो यहाँ गैरकानूनी ड्रग्स लाया? किसी को आते जाते देखा या किसी को किसी पर शक है? आप खुद मुझे बता देंगे तो अच्छा होगा, मैं तब ही आपकी मदद कर सकता हूँ जब आप मेरी मदद करोगे, वरना मुझे मजबूरन छानबीन पुलिस के हाथों छोड़नी पड़ेगी और पुलिस कैसा सलूक करती है वो आप जानते हैं। कोई जवाब नहीं देता, सब चुपचाप बुत बन खड़े रहते हैं। सबके चले जाने के बाद एक बार टेंडर चुपके से शिखर के पास आता है और एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, भीड़ में जो आदमी नीली जैकेट पहने खड़ा है, मैंने उसे यहां वहां घूमते और सफेद पाउडर वाले पैकेट लोगों को देते हुए देखा था। एक आदमी फोन पर बात करते हुए क्लब से बाहर की तरफ जा रहा है और कह रहा है, काम हो गया, मैंने फंसवा दिया उसे। बाहर मीडिया पुलिस सबने क्लब को घेर लिया है, बचने का कोई रास्ता नहीं है। दिनेश ये सुन लेता है और खींच कर एक चाटा मारता है। उसका फोन नीचे जाकर गिरता है। ये वही नीली जैकेट वाला आदमी है जिस पर बारटेंडर को भी शक था। शिखर भी वहां आता है और उससे पूछता है, पहले तो तू ये बता कि ये ड्रग्स अंदर कैसे लेकर आया। वो आदमी अनजान बनने का नाटक करते हुए कहता है, कौन सा ड्रग्स, क्या बात कर रहे हो आप? दिनेश एक और चाटा खींच कर मारता है। बोलेगा या एक और लगाऊं? बताता हूं, कहते हुए वो अपना जूता निकालता है और दिखाता है। उसने सोल में काटकर एक जगह बना रखी थी और उसी में छुपाकर वो ड्रग्स अंदर लेकर आया था। इस सवाल का जवाब तो मिल गया था कि ड्रग्स अंदर कैसे आया, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था कि ये सब उससे करवाया किसने, इन सब के पीछे किसका हाथ था। शिखर उस आदमी से पूछता है, तू किसके लिए काम करता है, तुझे किसने भेजा था यहां? दिनेश भी उसका गिरेबान पकड़ते हुए कहता है, और फोन पर किससे बात कर रहा था? नीली जैकेट वाला आदमी रोना शुरू कर देता है और कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे एक कॉल आया और उन्होंने कहा कि मुझे बस इतना करना है कि क्लब के अंदर ड्रग्स पहुंचाने और पैसे मेरे अकाउंट में डाल दिए। दिनेश पूछता है, अकाउंट नंबर क्या है तेरा? वो आदमी अपना अकाउंट नंबर बताता है और दिनेश नोट कर लेता है। पर फोन पर तेरी बातें सुनकर तो लग रहा था कि तू उसे अच्छी तरह से जानता है। दिनेश कहता है, ये ऐसे मुंह नहीं खोलेगा, इसको पुलिस के हवाले करते हैं, पुलिस का डंडा पड़ेगा तभी बोलेगा। शिखर पुलिस बुलाने अंदर चला जाता है। दिनेश भी अपनी पकड़ ढीली कर देता है। वो आदमी जैसे ही देखता है शिखर चला गया है और दिनेश का ध्यान उस पर नहीं है, वो झटक कर खुद को छुड़ाता है और वहां से भाग जाता है। दिनेश उसके पीछे भागता है पर वो एक गाड़ी जो पहले से बाहर चालू खड़ी थी जाकर उसमें बैठ जाता है और गाड़ी रफ्तार से चली जाती है। शिखर भी वहां आता है। शिखर अपनी कार निकालता है। दिनेश और शिखर दोनों उस कार का पीछा करते हैं पर थोड़ी दूर जाकर वो गाड़ी जैसे गायब हो जाती है और दोनों बस देखते रह जाते हैं। शिखर गुस्से में अपना हाथ स्टीयरिंग व्हील पर मारता है, दिनेश की तरफ देखता है और निराश होते हुए कहता है, एक सुराग मिला था वो भी हाथ से निकल गया, अब और कोई रास्ता भी नहीं है,
दिनेश कुछ सोचते हुए कहता है, एक रास्ता है। शिखर उत्सुकता से दिनेश से पूछता है, क्या? दिनेश कहता है, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन शिखर और दिनेश कार में छुपकर किसी अनजान से घर के बाहर इंतजार कर रहे हैं। शिखर दिनेश से पूछता है, किसका घर है ये? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? दिनेश जवाब देता है, उस दिन उस आदमी से जो अकाउंट नंबर मिला था, मैंने पता लगाया कि उस अकाउंट में पैसे किस ब्रांच से डिपॉजिट किए गए थे। मैं उस ब्रांच गया, मैंने कुछ जुगाड़ करके वहां का सीसीटीवी फुटेज निकलवाया और जब चेक किया तो मुझे वो आदमी दिखा। बाहर के सीसीटीवी से मुझे उसकी कार का नंबर मिल गया। मैंने वो कार ढूंढ निकाली और उसका पीछा करते करते मैं यहाँ पहुंच गया। अगले दिन मैंने देखा कि वो कार फिर इसी वक्त यहाँ आकर रुकी। वो रोज इसी वक्त यहाँ आता है। जिस आदमी ने उसके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए थे वो यहाँ जरूर आएगा और हमें बस इंतजार करना है उसके आने का। वो जैसे ही आता है हमें पता चल जाएगा इन सब के पीछे किसका हाथ है। शिखर पूछता है, पर तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? इससे पहले दिनेश शिखर की बात का जवाब देता है कि सामने से गाड़ी आती दिखती है। दोनों नीचे झुक जाते हैं। दिनेश देखता है कि ये वो गाड़ी नहीं है जिसका वो इंतजार कर रहे थे। दिनेश फिर से घड़ी में टाइम देखता है। इसी वक्त पर वो गाड़ी यहाँ आती थी। दिनेश को कुछ समझ नहीं आता। शिखर दिनेश की तरफ देखता है और कहता है, अब किसका इंतजार कर रहे हो? चलो उसके पीछे चलते हैं। दिनेश निराश होकर शिखर से कहता है, ये वो कार नहीं है। शिखर कहता है, पर अभी तो तुमने कहा था कि वो रोज इस वक्त आता है। दिनेश कहता है, हाँ थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। इंतजार करते करते एक घंटा बीत जाता है पर वो कार वहां नहीं आती और ना ही वो आदमी। शिखर सोचता है कि कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि हम यहाँ हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं और इसलिए वो यहाँ आज नहीं आया। अगर ऐसा हुआ होगा तो हम उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे और सबको यही लगेगा कि ड्रग्स केस में शिखर का ही हाथ है। दोनों निराश होकर वहां से चले जाते हैं। तो थोड़ी ही दूर पहुंचते हैं कि देखते हैं रोड पर भीड़ जमा है। पास जाने पर पता चलता है कि एक एक्सीडेंट हुआ है। दिनेश गाड़ी से उतरता है और पास जाकर देखता है। ये वही गाड़ी थी जिसका वो अभी तक इंतजार कर रहे थे। दिनेश एक आदमी से पूछता है, गाड़ी में जो लोग थे उन्हें कहां लेकर गए हैं? वो आदमी कहता है, ये पास का अस्पताल ले गए हैं। ड्राइवर की हालत गंभीर थी, शायद ही बचा होगा, पर जो आदमी पीछे बैठा था उसे कुछ नहीं हुआ। गाड़ी से उतरा तो ठीक ही लग रहा था, वही उसे अस्पताल लेकर गया है। शिखर और दिनेश दोनों अस्पताल पहुंचते हैं और बिना देर किए भागते हुए हॉस्पिटल के इस कमरे से उस कमरे तक ढूंढते हैं। वो थक कर एक कमरे के अंदर चले जाते हैं और देखते हैं कि इस कमरे में वही आदमी एक बेड पर सोया हुआ है जिसका इंतजार वो कर रहे थे। पर इससे पहले वो उससे कुछ पूछ पाते, डॉक्टर उसे मृत घोषित कर चुके होते हैं। शिखर और दिनेश कमरे से बाहर निकलते हैं। शिखर सोचता है कि एक ही आदमी था जो उन्हें कुछ बता सकता था, पर वो अब जिंदा नहीं है। शिखर के दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो वहां की एक नर्स को बगल में ले जाकर उसके कान में फुसफुसा कर हाथ में कुछ पैसे दे देता है। नर्स हामी भरते हुए जाती है और थोड़ी देर बाद शिखर और दिनेश के पास वो नर्स आती है और चुपके से एक थैली उनके हाथ में थमा वहां से निकल जाती है। शिखर उस थैली में से मरे हुए आदमी का फोन निकालते हुए कहता है, ये हमें उस आदमी तक ले जाएगा जो इस सब के पीछे है। क्या शिखर साबित कर पाएगा कि ड्रग केस में उसका कोई हाथ नहीं था? और वो कैसे दुनिया के असली गुनहगार का पर्दाफाश करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए मिलेनियर डिलीवरी बॉय।